रिसेंट में मैंने एक पॉडकास्ट देखा मिस्टर आर के रमानी जी का, जो कि एक रियल्टर है मुंबई में। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए उस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट मिस्टर आयुष शुक्ला ले रहे थे, मतलब जो डिस्कशन था वो आयुष शुक्ला और आर के रमानी जी के बीच में हो रहा था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था वो। मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने प्रिंसिपल्स हैं ये सारे हम लोग फॉलो करते हैं अपने वर्क में, और जो भी पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किया बिल्कुल ब्लंट पॉइंट्स थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स थे। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसका कोई सोचा नहीं, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उन्होंने कही। आर के रमानी जी कौन है? ही इज़ अ रियल्टर हु इज़ बेस्ड इन मुंबई, और बड़ा ही अच्छा काम है उनका। इंस्टाग्राम में 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में 3 साढ़े 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं उनके, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो वीडियो बनाते हैं। बहुत ही एक अच्छी शैली है उनकी बात करने की, स्टोरी टेलिंग बड़ा अच्छा है उनका, मतलब उनके पास स्टोरी रहती है हर प्रॉपर्टी के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जॉली गुड नेचर है उनका, बड़ा एक बड़ा अच्छे यूनिक तरीके से और बड़े ही खुश मिजाज तरीके से प्रॉपर्टीज़ के वीडियोज़ बनाते हैं। और जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बड़ा ही एक अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, मात्र सिर्फ 50 करोड़ की, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ शोइंग योर प्रॉपर्टी। मतलब अगर मैं सपोज ये प्रॉपर्टी दिखाऊं और 50 करोड़ की, तो मैं बड़ा घबराऊंगा कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ बोलने में भी बड़ा डर लगेगा। तो बट ही इज़ वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छे हैं। एंड आई गेस जितने भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होंगे, जो लोग उन्हें फॉलो करते होंगे या जो लोग उनकी वीडियोस देखते होंगे, बड़े पसंद करते होंगे। तो अब बात करेंगे रियल्टर आर के रमानी जी के बारे में। उन्होंने कौन कौन से की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया और क्यों वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यों वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाइए और उस पॉडकास्ट को जरूर देखिए जो आयुष शुक्ला और आर के रमानी जी के बीच में हुआ, जो कॉन्वर्सेशन हुआ उस पूरे वीडियो का आप देखिएगा जरूर। तो कौन कौन से वो की पॉइंट्स थे वो मैं अभी आपसे क्विक एक डिस्कशन करता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन उन्होंने किया विच वॉज रिगार्डिंग कमीशन। उनका ये मानना है और हमारा भी ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लाने चाहिए जिससे ब्रोकर्स की जो कमीशन है उसकी प्रोटेक्शन का एक कोई एक्ट बनना चाहिए। मतलब चाहे कोई बिल्डर या बायर कमीशन ना मार सके किसी ब्रोकर का, तो उससे रिलेटेड कोई रूल्स ज़रूर होने चाहिए। इस समय ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसे कोई रूल नहीं है। यूजुअली या तो आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, MOU करना पड़ता है, उसके बाद भी अगर माना बात आपकी कमीशन 2 लाख रुपए बन रही है और आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पकड़ा दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई एज सच हार्ड कोर रूल नहीं है, सारी चीज़ें वर्बल चल रही हैं क्योंकि एक अनरेगुलेटेड सा मार्केट है। तो कमीशन से रिलेटेड उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लाने चाहिए और जो कमीशन है ब्रोकर का वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस किया। उसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली कि जब आयुष शुक्ला ने उनसे पूछा कि क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी दिखाई और बैकड्रॉप से कोई जाता है और डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करता है, तो कहते हैं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ जाओ कॉन्टैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क करो, वो खुद भी चला जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेंटालिटी सेम नहीं है हमारी। अगर मैं उस व्यक्ति को, उस क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ और खुद से उस ओनर के पास जा रहा है तो ये उसकी मेंटालिटी दिखाती है। उन्होंने बड़ा ही एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। और अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने जब टर्म यूज किया कि ही इज बीनीथ मी, ही डजंट मीन कि वो मनी के टर्म से मेरे से नीचे है या पावर के टर्म से मेरे से नीचे है, बट उनका मानना था मेंटेलिटी के टर्म से मेरे से नीचे है। उन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया, मैं एक अच्छे क्लाइंट को केटर करना पसंद करूंगा जिसकी मेंटेलिटी मेरे जैसी हो, रदर देन मैं 20 क्लाइंट को केटर करूँ और जिनकी मेंटेलिटी बिल्कुल ख़राब हो, मतलब जो मेरी मेंटेलिटी से मैच ना करते हो, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा मेंटेलिटी उससे मैच ना करते हो, तो मैं उन 20 क्लाइंट को रिजेक्ट करूंगा, 1 क्लाइंट को केटर करना पसंद करूंगा पूरे साल भर में। बड़ा ही बोल्ड और अच्छा स्टेटमेंट है ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर एक व्यक्ति आर के रमानी जी जैसा कॉन्फिडेंट हो जाए अपनी इंडस्ट्री में तो बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है अपनी लाइफ में, एक ब्रांड क्रिएट कर सकता है और अपने लोकल जगह में एक अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। आज अच्छे से न्यूज़ एजेंसी उनको केटर करते हैं और उनके साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनको अपने पैनल में बुलाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री से कोई ऐसा व्यक्ति एक इस लेवल पे नाम कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं रियल एस्टेट में जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं,
बहुत अच्छा उन्होंने रेपुटेशन बिल्ड किया है, उनके व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, बट आई बिलीव ही इज वन ऑफ दोज गाय जिनके चेहरे पे बड़ी स्माइल रहती है और बिल्कुल खुश होके प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख एक और दी, उन्होंने कहा मैं कोई भी प्रॉपर्टी पे वर्क करता हूँ। मिस्टर आयुष शुक्ला ने उनसे पूछा कि आप सोल मैंडेट भी करते हैं, उन्होंने बोला बिल्कुल मैं सोल मैंडेट करता हूँ, अगर किसी को मेरे साथ काम करना है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में काम करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम एक नॉर्मल ब्रोकर की तरह काम करेंगे। मैं आज एक मीटिंग में बैठा था और मैं आपको बताऊं, हम लोग भी इसी तरह के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, वी आर ब्रांड प्रॉपर्टी 2050 और एज एन इंडिविजुअल मी एंड माई टीम, हम लोग भी इसी कंसेप्ट में काम करते हैं। सेम जब मैं उनके डिस्कशन देख रहा था, मेरे को बिल्कुल अपना थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा था कि यार ये बिल्कुल ये बंदा तो बिल्कुल अपने अपने लेवल का बंदा है, अपनी जैसे बातें करता है, ऑल्दो आई कैन नॉट मैच दैट लेवल, है ना, सीनियर है 44 साल, ही इज 40+, आई एम जस्ट 33, मैं माफ चाहूंगा, मतलब इतना बड़े तो नहीं है हम, बट जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी है हमारे काम करने का तरीका, वो ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग भी इसी प्रिंसिपल पे यकीन रखते हैं कि अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे फिट बैठते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर लेट सपोज को ये बोलता है कि आप हमारी प्रॉपर्टी सेल करिए, हमारी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करिए, तो मैं उनको सिंपल सा एक स्टेटमेंट देता हूँ कि हम आपकी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करेंगे, सेल भी करेंगे, बट आपको वो प्रॉपर्टी फिर हम ही वर्क करेंगे, कोई और वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई और उस व्यक्ति पे वर्क करेगा तो वी विल नॉट वर्क ऑन इट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फिर वो तो बासी खाना हो गया है जो हर कोई परोस रहा है, मतलब वो सब लोग उस खाने को खा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। प्रॉपर्टी शुड बी नीट एंड क्लीन, जो एक ब्रोकर काम कर रहा है तो वही ब्रोकर उस पर वर्क करे, हाँ किसी और को उस प्रॉपर्टी पे वर्क करना है तो उस ब्रोकर के थ्रू चले। तो बड़ा ही एक अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मैं अगर किसी प्रॉपर्टी पे वर्क करता हूँ, मैं अगर किसी प्रॉपर्टी में वर्क करता हूँ तो आई डू सोल मैंडेट, मतलब मेरे पास उसके सेल राइट होते हैं, मैं ही उस पर वर्क करता हूँ, चाहे मैं 3 महीने का टाइम लूँ, 4 महीने का टाइम लूँ, हाँ उसके बाद उसे बेचना है, नहीं बिकती है तो खुद वर्क कर सकता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो कि हम लोग इस बात को बहुत फॉलो करते हैं, वी हैव बीन अप्लाइंग दिस रूल फॉर लास्ट 4 ईयर्स, कि अगर मैं प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी में 200% दूंगा एफर्ट, अगर आपने मेरे साथ सोल मैंडेट किया है, यानी कि अगर मैं ही इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ तो मैं 200% एफर्ट दूंगा, अगर आप मेरे साथ सोल मैंडेट नहीं करते, आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वर्क नहीं करते, तो फिर मैं एक नॉर्मल जैसे हम बाकी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं वैसी बेचेंगे। बड़ा ही मतलब दिस इज हाउ यू बिल्ड योर ब्रांड, दिस इज हाउ यू बिल्ड योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो उस भीड़ में अलग दिखना, इसी तरीके से आप अलग दिख सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। यू शुड हैव योर वैल्यू, योर अपना एक आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो पूरा पॉडकास्ट में उनकी ये चीज़ झलक रही थी कि भैया इफ यू रिस्पेक्ट आर वर्क एथिक्स, इफ यू रिस्पेक्ट आर वर्क कल्चर, दिस हाउ वी वर्क, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं है प्रॉपर्टीज की, वी कैन सेल एज अदर प्रॉपर्टी भी हम लोग बेच सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई USA के बारे में, ये मैं एक संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जा सकते हैं देख सकते हैं, आयुष शुक्ला चैनल है, पॉडकास्ट है उनका मिस्टर आयुष शुक्ला का, वहाँ पे आपको आरके रमानी जी का वीडियो दिख जाएगा। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई US मार्केट के बारे में, US मार्केट कैसे काम करता है, कि वहाँ एक सेलिंग ब्रोकिंग हाउस होती है, ब्रोकिंग सेलर ब्रोकिंग हाउस होता है, एक एजेंट उसके अंदर एक एजेंट होता है, एक बायर ब्रोकिंग हाउस होता है उसके अंदर एक एजेंट होता है, और ओवरऑल कमीशन वहाँ पे 6% का है, मतलब इट्स एन ऑर्गेनाइज मार्केट, जो बाहर का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, USA का मार्केट है, इट्स ऑर्गेनाइज, बट इंडिया में क्या है, इट्स अनऑर्गेनाइज, इररेगुलेटेड है, हर दूसरा बंदा काम करता है, पान बेचने वाले से लेके चाय की टपरी से लेके एक अच्छा खासा आला अधिकारी तक भी प्रॉपर्टी का काम करता है इंडिया में, तो यहाँ तो हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, या आप कह लो एजेंट है, या कुछ भी कहो आप, तो यहाँ पे रेगुलराइज्ड होना मार्केट को बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाए मार्केट तो सभी ब्रोकर्स के लिए, ब्रोकर्स कम्युनिटी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने कही। उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दिया जो कि मैं आपको अगर
याद होगा मैं हमेशा से कहता आया हूँ, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, क्रिएट योर ओन ब्रांड, अपना ब्रांड क्रिएट करो। उन्होंने बोला मैं 2012-13 से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत डिपेंडेंट रहता था मैजिक ब्रेक ऑयल एक्स 99 एकर्स में, बाद में मैंने छोड़ दिया, अब अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा, अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर रखी है, तो डायरेक्टली लोग अप्रोच करते हैं, वहाँ पोर्टल से मैं लीड नहीं लेता। मैं आपको बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कंपनी का नाम लेने वाला था, एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उनसे मैंने, जब हमको काम करना नहीं आता था ढंग से, जब लीड्स तो ऐसा लगता था कि लीड्स खरीद के मिल जाए, तो मैंने 12,000 रुपये दिए थे 100 लीड्स के लिए, या एक टाइम पे, मतलब 4-5 साल पहले, और उस समय लीड खरीदे थे और सारी लीड बेकार थी, एक रेपुटेड कंपनी से ली थी मैंने, उनका SEO इतना अच्छा था, वो रैंक कर रही थी वेबसाइट, और वो अभी भी दैट वेबसाइट इज स्टिल लाइव और लीड्स बेच के पैसा कमाती हूँ। तो उनसे मैंने लीड्स खरीदी थी विच वॉज ऑल रबिश, मतलब बकवास लीड थी, कोई भी काम की नहीं थी, मतलब 12,000 रुपये गए, वो तो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। ऐसी और प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ किया था, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स काम के थे, बट मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो मेरा तो ये मानना है, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, अगर आप इंडिविजुअल भी हैं, इंडिविजुअल भी काम करते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। योर नेम शुड हैव वैल्यू इन द मार्केट, आपके जो नाम है उसकी एक इमेज होनी चाहिए मार्केट में। इस तरह से काम करें, किसी के साथ गलत मत करें, एथिक्स के साथ काम करें, और आप बहुत लंबा चलोगे। तो ये कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो आर के रमानी जी ने डिस्कस करी पॉडकास्ट में। आप ज़रूर जाइए और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा उस वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी और कई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत वैल्यू एडिशन आपको मिला होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।